एवरीवन वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज 27 नवंबर 2020 फ्राइडे। तो जैसे कि देख सकते हो आप, मैं किचन में हूँ। अगर एक इंडियन होगा, मतलब टिपिकल इंडियन, तो उसके घर में ही आपको देखने को मिलेगा बॉर्नविटा और लिक्सा, जो भी वो खाता था उसके डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ भर के रखती है हमारी टिपिकल इंडियन मॉम। तो देख सकते हो ऐसा पीछे का सीन। मेरी मम्मी गई हुई है आउट ऑफ स्टेट, तो सब कुछ मेरे को ही आज करना है। तो मैं इधर अपना बना चुका हूँ फिलहाल, देख सकते हो अपना लेमन टी इन प्रोग्रेस है, और यहाँ गर्म पानी हो चुका है जो कि मैं सुबह सुबह पीता हूँ। और बस ये आपको दिखाना था मेन चीज़, कि अगर आप इंडियन हो, ये चीज़ अगर आपके घर में नहीं है, तो या तो आप अपर क्लास में हो, बता रहा हूँ, या तो मतलब आप इंडियन हो ही नहीं, मतलब भाग जाओ देश छोड़ के। ये होना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें सबके घर में होती है कहीं ना कहीं, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही। सुबह सुबह छत पे आके जो नज़ारा दिखता है ना, वो अलग ही लेवल का दिखता है। देखो, किसी काम से आया तो था छत पे, लेकिन अब क्या ही खतरनाक दिखता है। ये देखो, इधर ही कहीं सूरज अपना छुपा हुआ है इधर बादल के पीछे। अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन नज़ारा से ऊपर का टंकी का काम करने वाले थे, वो उनको कुछ ऊपर सामान लेना था, तो मैं ऊपर आया कि छत खोल दूँ। फिर से ऑनलाइन क्लासेस है, क्लास के बाद आज पक्का मिलता हूँ। आज पूरा डे का दिखाऊंगा क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ऐसा हो रहा था ना सीन, कि मैं रिकॉर्ड तो कर रहा था वीडियो, लेकिन वो शाम से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन आज सुबह से ही स्टार्ट है पूरा। जो जो कर रहा हूँ भाई, एकदम प्योर ऑनेस्ट आएगा। बात कुछ ऐसा कि मैं ट्राइपॉड ऑर्डर किया हूँ, जो व्यू देख रहे हो पीछे जो आ रहा है, मतलब तो ये थोड़ा वाइड एंगल मिलेगा जब मैं दूर से ऐसे ट्राइपॉड लगा करके रिकॉर्ड करूँगा। तो बाहर जाता हूँ तो क्या होता है कि उसमें शक्ल दिखता है, अब प्रॉपर दिखेगा जब मैं ट्राइपॉड ले लूँगा, लेकिन पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिखेगा। और लेकिन आप लोग को जिसको पता नहीं है कि मैं किस चीज़ से शूट करता हूँ, तो मैं शूट करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से। कोई ऐसा गोप्रो या कोई कैमरा नहीं है जिससे मैं शूट करता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस जब करता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन पे करता हूँ, तो उस टाइम पर शूट नहीं हो पाता इसी कारण, नहीं तो मैं ऑनलाइन क्लास करते हुए भी शूट करके दिखा सकता हूँ। बस यही बताना था फिलहाल आपको, होपफुली आप सब। तो अभी बज रहा है 12 और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मूवी एंट मैन 2, और साथ में खाना खा रहा हूँ। तो बस यही है फिलहाल अभी की अपडेट। और दोस्तों, मैं 2 घंटे सो रहा था, और मतलब जब धुआं धुआं सा लगा है मेरे को, तो मैं उठा हूँ देखने की क्या भाई धुआं धुआं सो गया, कहीं आग लग गई क्या। फिर पता चला है कि मेरे बहन का कुछ करामात था। ये देखो, ये कोई पैनकेक नहीं है भाई साहब, ये दूध था जो कि वो 2-3 घंटे से जला के छोड़ दी थी किचन में, और मैं भी सो रहा था, मेरे को भी नहीं पता था। और पूरा का पूरा आग लगते लगते बचा है, पूरा का पूरा एकदम। देखो इसको फिर से, देखो पूरा पूरा काला हो गया भाई साहब, क्या बताऊं यार इसको। मम्मी नहीं रहती है, मम्मी सोचेंगी कि मेरे वजह से जला है, क्योंकि गलती उसकी थी। जा तू डाल दे छत पे पानी। हाँ, नीचे से ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, भी बज रहा है 5 और मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। फिलहाल दादी पहले ही निकल गई है, तो उनके पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ दादी के साथ सब्जी लेंगे। देखो वो रही मेरी दादी जो जा रही है, मैं दिख रहा हूँ तो फाइनली पहुँच गया दादी के पास। ये रही मेरी दादी सब्जी लेने जा रही है। दोस्तों फाइनली आज तो ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई, क्योंकि दादी के साथ आना मतलब ये पूरा पूरा भर जाना है यार। और मतलब मैं आता हूँ तो केवल आलू टमाटर और मिर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इसलिए दादी के साथ आने में फ़ायदा है सब कुछ, मतलब सारी की सारी सब्जियाँ एक साथ ही आ जाती हैं। हाँ, रेडाओ
दोस्तों 7:30 बजे मैं निकला था वर्कआउट करने के लिए और अभी 15 मिनट हुए मेरा इंटेंस कार्डियो, क्योंकि मैं आते ही तुरंत इंटेंस कार्डियो करता हूँ जिससे पूरी बॉडी वार्म हो जाती है कुछ ज़्यादा ही। उसके बाद हम टहलना शुरू करेंगे और बीच बीच में फिर फास्ट रनिंग करेंगे, तो बस ऐसे ही चलता रहता है फिलहाल, आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 10 और मैं वर्कआउट वगैरह करके अब घर पे आ चुका हूँ और अभी मैंने अपलोड किया 26 नवंबर वाली वीडियो। और मेरा ऐसा है सीन कि मैं डेली ब्लॉग करता हूँ तो डेली बेसिस पे अपलोड करना होता है, तो मैं सोचा था कि एक डे जो है वो स्किप कर दूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटी थी, 3-4 मिनट की थी, लेकिन मेरा एक दोस्त बोला कि अपलोड कर दो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा डेली ब्लॉग वाला कंटेंट है तो एक चीज़ रहेगा कि डेली ब्लॉग अपलोड किया। तो मैं रात में अपलोड किया, जनरली मैं सुबह 8 बजे अपलोड करता हूँ, तो उसके लिए सॉरी काफ़ी लेट है वीडियो वाली। और आज की वीडियो तो आपको टाइम पे ही मिल रही होगी, लेकिन कल वाली जो वीडियो थी मतलब 26 नवंबर वाली वो काफ़ी लेट थी, बट फाइनली अपलोड कर दिया मैंने। तो बस आज इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, होपफुली आपका दिन अच्छा हो और सब कुछ मज़े में हो, तो बाय।